हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमिजी नेट पे। दोस्तों रिसर्च एप्टीट्यूड क्लास 7, इसमें हम जानेंगे रिसर्च एथिक्स क्या है, यानी कि शोध नैतिकता क्या होती है, जब हम रिसर्च करते तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। प्लस में हम ये देखेंगे कि 2012 से लेकर अभी तक इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्लास को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हम इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, जैसे रिसर्च एथिक्स है, रिसर्च एथिक्स, एथिक्स का मतलब क्या है पहले हमें ये पता होना चाहिए। एथिक्स का मतलब है नैतिकता। कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं, एक तो सही तरीके से काम करते, दूसरा लाभ कमाने के लिए, लालच के लिए हम गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो जो काम हम सही तरीके से करें उसको हम नैतिकता से बोलते हैं, और जो हम गलत तरीके से करें उसको हम अनैतिक काम बोलते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में हमें पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी होती है, रिसर्च लिटरेचर रिव्यू करना होता है, डेटा कलेक्शन करना होता है, सैंपल इकट्ठा करने होते हैं। तो ये जो काम है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब हमें बोल दिया जाए कि आपको डेटा कलेक्शन करना है, अपने 3 गाँव के लोगों का सर्वे करना है, तो हो सकता है हम अपना ही गाँव ले लें या पड़ोसी का गाँव ले लें, कोई भी ले लें। और अगर हमें बोल दिया जाए कि गाँव में जाके आपको 10 लोगों का इंटरव्यू लेना है, तो हो सकता है हम एक ही जगह से 10 के 10 लोगों का ले ले। तो क्या वो एक जगह से 10 लोगों का इंटरव्यू लेंगे तो क्या वो पूरे गांव को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं करेगा दोस्तों। तो ये चीजें होती है कि हम जो भी रिसर्च करें वो सही मायने में होनी चाहिए, उसमें गलत तरीका इस्तेमाल ना करें। अगर हम मान के चलिए किसी व्यक्ति का वो लेके आ रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, किसी से कोई इंटरव्यू कर रहे हैं, उससे गांव में गए और गांव में पूछते भाई आपके गांव में कौन कौन लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उसके बारे में बता दीजिए, और वो बंदा अगर हमें ये बोले भाई मैं बता तो दूंगा लेकिन मेरा नाम कहीं पर नहीं आना चाहिए, मेरा नाम मत बता देना किसी को, और हम उसको आश्वासन दे तेरा नाम नहीं बताएंगे, लेकिन बाद में अगर हम उसका नाम डिस्क्लोज कर दे और हम बता दे भाई आप लोगों के बारे में जानकारी उस व्यक्ति ने हमें दी है, तो क्या है ये तो गलत बात होगी ना। तो हमें इन सभी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर जो रिसर्च एथिक्स है उनमें किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। ईमानदारी पूर्वक आंकड़े और परिणाम एवं विधियां हमें करनी चाहिए। इसमें जो भी हम विधि ले रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, साइंटिफिक वे में होनी चाहिए और जो वैलिड होनी चाहिए। और जो हम आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, मैंने बताया ना कि जैसे हम किसी न्यूज़पेपर से आंकड़ा ले रहे हैं या किसी गांव में जाके हम लोगों से इंटरव्यू कर रहे हैं, कुछ जानकारी ले रहे हैं, ऐसा ना हो कि गाँव में गए किसी एक दोस्त के पास गए और उसी से बैठ के 20 लोगों का डेटा लिख लिया, टिक 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 कर दिया, नाम लिख दिया, ऐसे फर्जीवाड़ा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रियली में जाके हमें सर्वे करना पड़ेगा। पूर्वाग्रह में भ्रांति से बचना चाहिए। जैसे पूर्वाग्रह और भ्रांति हमारी क्या हो सकती है, हम सोच सकते हैं यार गाँव के लोग तो ना बहुत शराब पीते हैं, ऐसा है वैसा है, हमारी मतलब ऐसी थिंकिंग हो सकती है। तो इन भ्रांति से बचना है,
हमें अपनी थिंकिंग उसमें इंक्लूड नहीं करनी, हमें रियल में जाके वहां पे सर्वे करना है गांव में 1000 लोगों में कितने लोग शराब पीते, शहर में कितने पीते, फिर उनका कंपैरिजन करना है, तब जाके हमें रिजल्ट निकालना पड़ेगा। व्यक्तिपरता से बचना चाहिए, यानी कि रिसर्च में हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारा पर्सनल हो, पर्सनल लोगों को जाके इंटरव्यू ले लिया, पर्सनल चीजें उसमें इंक्लूड कर दी, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। गंभीर एवं ध्यानपूर्वक तरीके से कार्य करना चाहिए, सीरियस होकर कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिसर्च कर रहे हैं और उसमें जो डेटा आ रहा है उसको हम देख ही नहीं रहे, वो ज़्यादा है कम है क्या है, ऐसे ही अंधाधुंध काम कर रहे हैं, तो वो हमारा गलत रिसर्च हो जाएगी। और अप्रकाशित डेटा और मेथड का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें वही डेटा और मेथड लेना चाहिए जो वैलिड हो और जो प्रकाशित हो चुका हो। स्वतंत्र और स्वाभाविक प्रक्रिया होनी चाहिए, विश्वसनीय प्रक्रिया होनी चाहिए। मैंने बताया ना, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस पर लोगों को विश्वास होना चाहिए भी हम किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं करेंगे। जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें वो ज्ञान में वृद्धि करने वाली होनी चाहिए। गोपनीयता एवं स्वायत्ता का सम्मान करना चाहिए। कलात्मकता और सृजनशील प्रक्रिया उसमें होनी चाहिए। जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि उसमें फॉर्मेलिटी कर दे, ऐसे होनी चाहिए उसमें कुछ क्रिएटिविटी लेके आए, कुछ नई चीज़ उसके अंदर हो। मानवीय गुणों का हमें उसमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ऐसे रिसर्च कर रहे हैं जिससे चोर जो लोग हैं उनको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वे चोरी कैसे करनी चाहिए, है ना, क्रिमिनल को हम बढ़ावा ना दे रहे हो, तो ऐसी चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। भविष्य के लिए वो उपयोगी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें दोस्तों हमारी रिसर्च एथिक्स में ध्यान रखने वाले। और इसमें जैसे एरर की हम बात करें, एरर क्या क्या आ जाते हैं, काल्पनिक अवधारणाएं, कुछ अवधारणाएं बना लेते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि गांव के लोग ज़्यादा शराब पीते हैं, तो इस तरह की हम गलत अवधारणाएं बना लेते हैं तो वो एरर क्रिएट करेगी। और निष्कपट औपचारिककरण, यानी कि जो चीज़ स्पष्ट नहीं है उसको हम उसमें डाल दें, जो हमने सुनी सुनाई बातों पर हम विश्वास कर लें। और ये है दूषित तथ्य, यानी कि जो तथ्य हमारे खराब हो चुके हैं, जो सही तरीके से एविडेंस नहीं है, उनको हम अगर अपने रिसर्च में लेंगे तो वो सही रिसर्च नहीं बनी जाएगी। भ्रांतियाँ, भ्रांतियों के बारे में मैंने बता दिया, सुनी सुनाई बातों पे, अफवाहों पे अगर हम ध्यान देंगे और वो अपने रिसर्च में इंक्लूड करेंगे तो वो अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों डेटा कलेक्शन की बात करते हैं, और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो हम देखेंगे। अब देखिए, डेटा कलेक्शन जो है हमारा, तीन तरह का डेटा कलेक्शन हो सकता है। सैंपल के लिए डेटा इकट्ठा करते हैं, तो देखिए सबसे पहले है प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी डेटा कलेक्शन या प्राइमरी सोर्स बोलते हैं। और ये किस तरह का होता है, आर क्रिएटेड एज क्लोज टू द ओरिजिनल इवेंट और फिनोमिना। ये ऐसी चीज़ होती है जो बिल्कुल ओरिजिनल होती है, ये जो डेटा होता है बिल्कुल ओरिजिनल होता है। जैसे हमें मान के चलिए कि हमें देखना है कि प्रदूषण कहाँ कहाँ पे बढ़ रहा है, शहर में कौन कौन सी जगह पे प्रदूषण फैल रहा है, तो उसके दो तरीके हैं, या तो हम सीधे डायरेक्ट जाके वहाँ की फ़ोटो खींचे, किसी चिमनी में बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है उसकी फ़ोटो खींच ली, कोई तालाब है बहुत ज़्यादा गंदा है उसकी फ़ोटो खींच ली, ये क्या हो गया, ये हमारी ओरिजिनल चीज़ें होगी, ओरिजिनल फोटोग्राफ और वीडियो बना के लेके आ रहे हैं। दूसरा है क्या कि हम काम से बचने के लिए 2 साल पहले की फ़ोटो उसमें अखबार में लगा दे, 3 साल पहले कोई तालाब गंदा हो गया था वो लगा दे। अब 3 साल में, अब में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है ना, तो जो चीज़ हम प्राइमरी करें, जो हम सीधे डायरेक्ट रूप से ओरिजिनल डेटा इकट्ठा करें, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स वो होता है जो काम पहले हो चुका है, जो डेटा पहले छप चुका है, प्रकाशित हो चुका है, उसका उपयोग हम अपने रिसर्च में करते हैं। जैसे कोई आर्टिकल है, आर्टिकल लिखा जा चुका है महात्मा गांधी के बारे में, आज से 10 साल पहले किसी ने आर्टिकल लिखा है, उस पर हम एनालिसिस कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध के विचार है, हजारों साल पुराने हैं, उनकी कोई किताब है उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी डेटा कलेक्शन हो गया। और इसमें हो सकता है पुराने न्यूज़पेपर हो सकते हैं, पुरानी चीज़ें हो सकती हैं, पुराने फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ें इसमें हो सकती है, पुराना इंटरव्यू हो सकता है किसी का, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी डेटा सोर्स हो गया। उसके बाद में हमारा टर्चरी सोर्स, ये क्या होता है,
टर्शियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों चीजें इसके अंदर होती है, दोनों का मिला जुला रूप इसमें होता है। इसमें जैसे हम इंसाइक्लोपीडिया की बात करें, विवियोग्राफिकल बुक की बात करें, हैंडबुक की बात करें, तो ये चीजें इसके अंदर आ सकती है, यानी कि दोनों चीजें इसमें मिक्सअप होती है। अब जैसे हम किसी का पुराना डेटा भी ले रहे हैं और उसका अपडेटेड वर्जन भी हम ले रहे हैं, जैसे किसी शहर में मैंने बताया ना प्रदूषण फैल रहा है, 3 साल पहले वो तालाब कैसा था और अभी वो तालाब कैसा है, दोनों का कंपेरिजन करके वहां पर दिखा रहे हैं, दोनों डेटा का कलेक्शन हम कर रहे हैं, तो वो हो गया टर्शियरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन हो गया। और एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिनको देख के हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, तो ये काफी जरूरी है हमारे लिए। देखिए रिसर्च इथिक्स के जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इनको आप, ये जो कीवर्ड्स दिए हुए इन पे आप ध्यान देना, जिस भी क्वेश्चन में या जिस भी ऑप्शन में आपको ये मिले, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन और रिसर्च फाइंडिंग, जहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। और एक और इसमें है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का मतलब ये कि जो डेटा हमने इकट्ठा कर लिया है, एनालिसिस के दौरान हमें पता चला कि यार हमने जैसा सोचा था ना वैसे तो ये रिसर्च नहीं बन रही, तो चलो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो वो डेटा एनालिसिस के दौरान गड़बड़ कर दी हमने तो वो गलत साबित होगी, ऐसा हमें नहीं करना है। जैसी हमारी रिसर्च फाइंडिंग हुई है, जैसा हमारा डेटा कलेक्शन हुआ है, वैसे ही हमें रिसर्च करनी है। तो जहाँ पे हमें प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और फिर डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और रिसर्च फाइंडिंग मिले, वहाँ पे हमारा रिसर्च एथिक्स का उल्लंघन होगा, वहाँ पे रिसर्च एथिक्स का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। और अब देखिए, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा 2016 में आया है, रिसर्च एथिक्स हैज ए डायरेक्ट कनेक्शन मोर ऑफ्टन विच स्टेज ऑफ रिसर्च, कौन कौन सी रिसर्च में हमारा रिसर्च एथिक्स उपयोग होता है। देखिए, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, ये हम करके आए ना, रिसर्च फाइंडिंग हमारी क्या आई है वो हमें देखना जरूरी है, जैसी फाइंडिंग आई है वैसी ही हमें रिसर्च में बतानी है, उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी। और दूसरा रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, ये चीज है इसमें। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सस्पेक्टेबल टू द इशू ऑफ रिसर्च इथिक्स, रिसर्च इथिक्स का मुद्दा कौन सा हो सकता है, शोध नैतिकता का मुद्दा क्या हो सकता है, देखते हैं इसमें। ये देखिए, हमने जो कीवर्ड्स हमने पढ़े थे क्या वो है इसमें, देखिए, इनएक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल टेक्निक, फॉल्टी रिसर्च डिजाइन, चॉइस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक और रिपोर्ट ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। ये देखो, रिपोर्ट ऑफ रिसर्च फाइंडिंग को गलत तरीके से प्रेजेंट करना, वो हमारा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है। उसके बाद में हम बात करें, देखिए, द इशू ऑफ रिसर्च इथिक्स इज पेरिटेंट एट विच स्टेज ऑफ फॉलोइंग स्टेज, अब देखिए कौन कौन सी स्टेज में हमारा रिसर्च एथिक्स का मुद्दा जरूरी है। अब जैसे इसमें दिया है ऑप्शन नंबर 4, डेटा कलेक्शन, ठीक है, डेटा एनालिसिस ये पढ़ के हैं, डेटा कलेक्शन में और डेटा एनालिसिस में इसका बहुत उपयोग होता है, एंड रिपोर्ट ऑफ रिसर्च फाइंडिंग एंड रिजल्ट, ये देखो 3 स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं, इन 3 स्टेप में बहुत ज़्यादा उपयोग इसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए, कई लोग बोलेंगे इसमें जैसे आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ये यहाँ पे दिया हुआ है, रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में हमने पढ़ा था ना, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सी स्टेज में सबसे ज़्यादा, कौन कौन सी स्टेजेस में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। अब इसमें तो एक ही ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि 3 स्टेज यहाँ पे दी हुई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें देखना है दोस्तों, कई बार हम एग्जाम के अंदर कई ऑप्शन होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें तो ये भी हो सकता है यार, ये भी हो सकता है, तो क्या करें इसमें, ठीक है। आगे है हमारा दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए रिसर्च एथिक्स कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है वो हम देखते हैं, रिसर्च एथिक्स। अब ये देखिए, डेटा कलेक्शन हमने पढ़ा था 1, डेटा एनालिसिस हमने पढ़ा था 2, अब ये देखिए 1 और 3 किसमें, 1 और 3 इसमें है, और 5वां और देखते हैं, राइटिंग ए थीसिस और डिसर्टेशन, इसमें हम रिसर्च एथिक्स का उपयोग करते हैं, तो ये 3 ऑप्शन हमारे हो जाएंगे। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं भाई, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है।
और ये सभी क्वेश्चन एक क्लास में करवा पाना हमारे लिए मुश्किल होता है। अगर आपको ये स्टडी नोट्स चाहिए और ये क्वेश्चन चाहिए दोस्तों, 2012 से लेके अभी तक सभी यूनिट के क्वेश्चन हमने अलग अलग किए हुए हैं। जैसे आज तक जो भी क्वेश्चन रिसर्च के आए वो अलग है, टीचिंग के अलग है, ICT के अलग है, प्लस में सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी हमने अलग अलग किए हुए हैं। अगर आपको स्टडी नोट्स, एड फ्री वीडियोज और ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर विद टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज चाहिए तो आप हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अभी देखिए, जैसे एक और क्वेश्चन है, इसमें ये देख सकते हैं, शोध नैतिकता के उल्लंघन का उदाहरण कौन सा हो सकता है, शोध नैतिकता का उल्लंघन का उदाहरण। ये देखिए आंसर 3 दिया, ABD देखते हैं, वोलेटिंग पार्टिसिपेंट कॉन्फिडेंटली। अभी देखिए, मैंने बताया था ना, जो प्रतिभागी हमारे रिसर्च में भाग ले रहे हैं, अगर उसका जो भी है उसका प्राइवेसी का हम उल्लंघन कर देंगे, उसकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हम डिस्क्लोज कर देंगे, उसका नाम बता देंगे, और अगले व्यक्ति ने पहले ही बोला भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए रिसर्च में, तो ये क्या होगा, उसका उल्लंघन होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे ये देखो, मेकिंग रिकमेंडेशन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डेटा कलेक्टेड, एकत्र किए गए डेटा के दायरे से परे सिफारिश करना। ये देखो, जो डेटा हमने एकत्रित किया है और उससे अलग हम रिसर्च में बता रहे हैं, जो डेटा इकट्ठा किया वो तो बता ही नहीं रहे, उससे अलग चीज़ें हम बता रहे हैं उसमें, तो ये भी इसका उल्लंघन होगा। उसके बाद में डी ऑप्शन, चेंजिंग डेटा टू मीट ए डिजायर आउटकम। ये देखो, अपनी ज़रूरत के अनुसार डेटा को चेंज करना, ये भी उल्लंघन है हमारी रिसर्च एथिक्स का। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों, आप इनका ध्यान रखना और इससे आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये देखिए, ये 2023 में क्वेश्चन आया है हमारा, ये देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एनोवा सॉफ्टवेयर है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपका एक छोटा सा कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और क्या हमें ऐसे और भी यूनिट की वीडियोज़ बनानी चाहिए, क्या मैं पूरा मैं बना दूं पेपर वन का कोर्स फ्री में आपके लिए ऐसे ही, आपके क्या विचार है हमें ज़रूर बताना। और आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों, NTU UGC नेट एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, ICT के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और DI के क्वेश्चन सोल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी, जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू।